ठीक है तो इसका फर्स्ट पार्ट मैंने ऑलरेडी बना दिया है अगर आपने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रही हूँ आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं सो so, आज इसका सेकेंड पार्ट हम लोग डिस्कस कर रहे हैं जो है स्टेट्स ऑफ मैटर इससे पहले हम लोग स्टूडेंट्स इससे पहले हम लोग मैटर के बारे में जाने कि मैटर क्या होता है ऐसा कोई भी चीज़ ऐसा कोई भी पार्टिकल जिसका अपना एक मास होता है और वो अपना एक डेफिनेट वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है उसे मैटर कहा जाता है तो कोई भी चीज़ जो बना हुआ है कोई भी थिंग बना हुआ है वो मैटर से कंपोज्ड हुआ है फिर उसके बाद हम लोग प्रॉपर्टीज़ पढ़े, फिज़िकल नेचर ऑफ़ मैटर देखें जिसमें ये पता चला कि मैटर जो है वो अप ऑफ पार्टिकल्स यहाँ ये डिबेट हुआ कि जो मैटर है वो पर्टिकुलेट नेचर का होता है या कंटिन्यूस नेचर का होता है तो बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स करने के बाद ये कंक्लूजन पे पहुँचे कि जो मैटर है वो पर्टिकुलेट नेचर का होता है पार्टिकल लाइक नेचर का होता है छोटे छोटे पार्टिकल से बने हुए हैं देन हाउ स्मॉल आर दीज पार्टिकल्स ऑफ मैटर तो मैटर जो है वो बहुत ही टाइनी पार्टिकल से बने हुए हैं बहुत ही छोटे छोटे टाइनी पार्टिकल से बने हुए हैं बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स करने के बाद इस कंक्लूशन पर पहुँचे तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी था कि जो पार्टिकल्स ऑफ मैटर है वो कंटीन्यूसली मूव करते रहते हैं वो स्टेटिक कंडीशन में नहीं रहते वो स्टेटिक स्टेट में नहीं रहते वो कंटिन्यूसली अपने आप को मूव करते रहते अगेन बहुत सारे एक्टिविटीज़ कवर किए हम लोग देन आया कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन दम जो मैटर के पार्टिकल्स है उनके बीच में स्पेस होते हैं जिसके कारण वो लोग एक दूसरे से इंटरमिक्स करते हैं इंटरमिकसिंग की प्रॉपर्टी दिखाते हैं और लास्ट प्रॉपर्टी था कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर जो मैटर के पार्टिकल्स है वो दोनों एक दूसरे को एक दूसरे पे फोर्स ऑफ एट्रैक्शन लगाते हैं जिसके कारण वो एक दूसरे को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं और जिसके कारण जो है वो मैटर कॉन्स्टिट्यूट होकर कोई भी बॉडी ऑर्गेनिज़्म बनाता है सो so, वो अट्रैक्शन फोर्स के कारण ही जो मैटर के पार्टिकल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है इसके कारण ही जो पार्टिकल्स है वो एक दूसरे के साथ कंबाइन होते हैं और कोई भी एक पर्टिकुलर बॉडी का फॉर्मेशन करते हैं सॉलिड बॉडी का फॉर्मेशन करते हैं मतलब कोई भी आप चीज़ देख पा रहे हैं चाहे वो बुक है पेंसिल है पेपर है या कोई कॉपी है नोटबुक है स्विच है कुछ भी आप देख पा रहे हैं ये छोटे छोटे मैटर पार्टिकल्स लाइक मैटर से कंपोज हैं और क्योंकि इनके बीच में इन सारे पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है जिसके कारण वो आपको एक रेगुलर सॉलिड ऑब्जेक्ट नज़र आ रहा है सो so, अब अब हम लोग पढ़ेंगे स्टेट्स ऑफ मैटर के बारे में तो आज इस वीडियो में हम लोग बात करते हैं स्टेट्स ऑफ मैटर के बारे में सो स्टूडेंट्स ऑब्जर्व डिफरेंट टाइप ऑफ मैटर अराउंड यू आप लोग देख पा रहे हैं जो भी चीज़ आप देख पा रहे हैं अगल बगल जितने भी ऑब्जेक्ट्स आप देख पा रहे हैं बुक पेपर पेंसिल टेबल चेयर कुछ भी आप देख पा रहे हैं वो क्या है वो सारे मैटर से कम्पोज हैं ठीक है तो वाट आर इट्स डिफरेंट स्टेट्स तो आप क्या जो भी चीज़ अपने सराउंडिंग में देख पा रहे हैं वो सारे के सारे सॉलिड है क्या आप पानी नहीं देख पा रहे आप कोई लिक्विड चीज़ नहीं देख पा रहे आप एयर वगैरह ये सब नहीं फील कर पा रहे तो वो क्या है वो गैसेस हैं तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जो मैटर है वो बस और बस सॉलिड स्टेट में ही प्रेजेंट है मैटर तीनों स्टेट में प्रेजेंट है वेदर इट इज सॉलिड लिक्विड और गैस सो वी कैन सी दैट मैटर अराउंड अस एग्जिस्ट इन थ्री डिफरेंट स्टेट दैट इज सॉलिड लिक्विड एंड गैस दी स्टेट्स ऑफ मैटर अराइज ड्यू टू द वेरिएशन इन द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ मैटर सो मैटर जो है वो थ्री डिफरेंट स्टेट में देखने को मिलते हैं दैट इज सॉलिड लिक्विड एंड गैस सो मैटर जो है वो सॉलिड स्टेट में, में, में भी होते हैं, लिक्विड स्टेट में भी होते हैं एंड गैस स्टेट में भी होते हैं ठीक है सो so, अब है द सॉलिड स्टेट अब हम लोग पहले बात कर लेते हैं सॉलिड स्टेट के बारे में देन अगेन एक एक्टिविटी है 1.9 इसमें बोला हुआ है कि कलेक्ट द फॉलोइंग आर्टिकल्स आपको क्या क्या चीज़ें कलेक्ट करना है सपोज एक पेन कलेक्ट कर लीजिए एक बुक कलेक्ट कर लीजिए एक नीडल सुई कलेक्ट कर लीजिए एंड अ पीस ऑफ थ्रेड एक पतला सा धागा आप कलेक्ट कर लीजिए इन सब चीज़ों को आप एक जगह रख दीजिए देन स्केच द शेप ऑफ द अबव आर्टिकल्स इन योर नोटबुक बाय मूविंग अ पेंसिल अराउंड देम। सपोज आपको क्या करना है सपोज आपने एक बुक लिया ठीक है ये आपका ऐसे बुक है ठीक है ये आपका ऐसे सपोज कोई बुक है अब आपको इस बुक के अराउंड में एक पेंसिल लेना है और उस पेंसिल से आपको मार्जिन इसका खींचना है इसका इस तरह से मार्जिन खींचना है और बस बुक का ही नहीं आपने जितने भी आर्टिकल्स लिए जैसे नोटबुक लिया या नीडल लिया या पेन लिया इन सब का आपको मार्जिन खींचना है ये देखना है कि इसके मार्जिन सब बना पा रहे हो या नहीं बना पा रहे हो ठीक है तो अब नेक्स्ट चीज़ है सो so, पहला स्टेप आपको कलेक्ट करना है ये सारे आर्टिकल्स दूसरे स्टेप में आपको मार्जिनस वगैरह स्केच करना है उन ऑब्जेक्ट्स के अराउंड में और तीसरे स्टेप में पूछा हुआ है कि डू ऑल दीज हैव हाँ अ डेफिनेट शेप डिस्टिंक बाउंड्रीज एंड अ फिक्स्ड वॉल्यूम तो जब आप एक पेन का मार्जिन बनाते हैं सपोज ये कोई पेन है इसका इसका आप मार्जिन आराम से बना सकते हैं ठीक है आराम से बना सकते हैं तो हाँ इसका एक डेफिनेट शेप है इसकी एक डिस्टिंक्ट बाउंड्री है ये जो बन रहा है ये क्या है इसका एक बाउंड्री बन रहा है तो ये भी है और एक फिक्स वॉल्यूम है सपोज इसने इतना एरिया कवर किया इस पेन ने इतना एरिया कवर किया तो ये इसका एक फिक्स वॉल्यूम है ठीक है तो क्या ये आपने जितने भी आर्टिकल्स लिए सपोज़ पेन की बात करें तो पेन में तो दिख गया ही बुक की बात करें तो बुक में भी दिख जाएगा नीडल में भी दिख जाएगा और एक पीस ऑफ थ्रेड भी आप लोगे तो उसका भी एक डेफिनेट बाउंड्री होगा ठीक है तो ये सारी चीज़ें जो है वो इन चारों चीज़ों में दिखेंगी जो भी आपने आर्टिकल्स लिया है वट हैपन्स इफ़ दे आर हैमर्ड पुल्ड और ड्रॉप अगर इसको आप तोड़ोगे इस पर आप हथौड़े मारोगे या इसको आप खींचोगे या इसको आप तोड़ने की कोशिश करोगे तो क्या होगा तो जो ऑब्जेक्ट सॉलिड है उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा वो टूटेगा नहीं ठीक है आर दीज कैपबल ऑफ डिफ्यूजिंग इन टू ई ईच अदर क्या ये आपस में एक दूसरे के मिक्स हो सकते हैं डिफ्यूज़ हो सकते हैं नहीं हो सकते हैं क्योंकि ये एक सॉलिड ऑब्जेक्ट है इसमें जो इंटरमोलिकुलर स्पेसेस है वो कॉम्पैक्ट होती हैं ठीक है तो ये डिफ्यूज़ नहीं हो सकते हैं Try compressing them by applying force. Are you able to compress them? उसे आप दबाने compress मतलब दबाने की कोशिश करिए अगर आप इस पर force लगा रहे हैं इस object पर suppose pen पर आप force लगा कर देखिए तो वो pen क्या आपका इतनी आसानी से टूट जाएगा अगर आप थोड़ा सा force लगाते हैं तो क्या pen टूट जाएगा नहीं टूटेगा तो क्योंकि ये solid है इसमें जो intermolecular space है वो प्रेजेंट नहीं होते हैं इंटरमोलिकुलर जो पार्टिकल्स है या जो एटम्स है वो आपस में एक दूसरे के जुड़े हुए रहते हैं एकदम सटे हुए रहते हैं इस कारण से क्या होगा कि इस पर कोई भी कॉम्प्रेसिंग फोर्स एक्ट नहीं करेगा कोई भी कॉम्प्रेसिंग फोर्स इस पर काम नहीं करेगा तो हम लोग इसे कॉम्प्रेस नहीं कर पाएंगे ठीक है देन लिखा है ऑल द अबव अर एग्जाम्पल्स ऑफ सॉलिड्स तो ये जितने भी चारों आर्टिकल्स हम लोग लिए ये सारे क्या थे सॉलिड्स थे वी कैन ऑब्जर्व दैट ऑल दीज हैव अ डेफिनेट शेप डिस्टिकट बाउंड्रीज एंड फिक्स वॉल्यूम। तो सॉलिड के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं सॉलिड के एक डिफ uh, मतलब डेफिनेट शेप होते हैं जो भी सपोज एक बुक है ये एक बुक है तो इसका तो एक डेफिनेट शेप हुआ इस तरह का शेप हो गया इस बुक का तो इसका एक डेफिनेट शेप होता है डिस्टिंक्ट बाउंड्रीज होता है ये क्या है इसके बाउंड्रीज हैं ये इसके बाउंड्रीज हैं और एक फिक्स वॉल्यूम होता है कि इस बुक ने इतना वॉल्यूम ऑक्यूपाई किया तो ये इसका एक फ़िक्स वॉल्यूम तो सॉलिड के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक होते हैं एक तो इसमें डेफिनेट शेप होता है उसके बाउंड डिस्टिंक्ट बाउंड्रीज होते हैं और एक फिक्स वॉल्यूम होता है दैट हैव नेगलिजिबल कॉम्प्रेसिबिलिटी अगर आप इसको दबाएंगे इस पर फोर्स अप्लाई करेंगे तो ये दबेगा नहीं ये अपने शेप में ही रहेगा ठीक है तो इसमें बहुत ही नेग्लिजिबल कंप्रेसिबिलिटी होता है सॉलिड्स हैव अ टेंडेंसी टू मेंटेन देअर शेप व्हेन सब्जेक्टेड टू आउटसाइड फोर्स अगर आ, मतलब आपने थोड़ा सा फोर्स अप्लाई किया और अगर मे भी कुछ सॉलिड जैसे स्पॉन्ज हो गए तो आप जैसे ही स्पॉन्ज पे फोर्स अप्लाई करते हैं तो स्पॉन्ज दब जाता है लेकिन थोड़ी देर बाद क्या होता है फिर से वो फ्लफ़ी हो जाता है फिर से फूल जाता है अपने ऑरिजिनल स्टेट में आ जाता है आपने जैसे ही फोर्स अप्लाई किया तो वो थोड़ी देर के लिए कॉम्प्रेस हो जाता है लेकिन अगेन वो अपने ओरिजिनल स्टेट में आ जाता है ठीक है तो जब आ, तो सॉलिड्स हैव टेंडेंसी टू मेंटेन देयर शेप व्हेन सब्जेक्टेड टू आउटसाइड फोर्स अगर आप उस पर फोर्स अप्लाई भी कर रहे हैं तो सॉलिड में एक टेंडेंसी होती है कि वो अपने शेप को अगेन मेंटेन कर सकता है सॉलिड में ब्रेक अंडर फोर्स बट इट इज डिफिकल्ट टू चेंज देयर शेप तो अगर आप एक्स्ट्रा फोर्स अप्लाई करेंगे मतलब हद से ज्यादा फोर्स अगर लगाएंगे तो वो भी एक ऑब्जेक्ट है, वो टूट सकता है लेकिन वो अपना शेप नहीं बदल सकता है सो दे आर रिजिड क्योंकि वो रिजिड होता है ठीक है वो अपना शेप नहीं बदल सकता है क्योंकि वो रिजिड होता है सो so रिजिड मतलब कठोर या स्टिफ वो एकदम कठोर होता है इसलिए अपना शेप वो नहीं बदल सकता है सो बा सो आगे लिखा है कंसिडर द फॉलोइंग वॉट अबाउट अ रबर बैंड कैन इट चेंज इट शेप ऑन स्ट्रेचिंग इज इट अ सॉलिड अगर आप एक रबर बैंड को लेते हैं उसे खींचते हैं तो स्ट्रेच करते हैं तो क्या वो अपने शेप को बदल देता है नहीं वो वापस से खींचने के बाद अपने ओरिजिनल शेप में आ जाता है या इट इज़ एग्जाम्पल ऑफ सॉलिड ठीक है सो नेक्स्ट लिखा है व्हाट अबाउट शुगर एंड सॉल्ट व्हेन केप्ट इन डिफरेंट जार्स दीज टेक द शेप ऑफ द जार आर दे सॉलिड जब शुगर या फिर सॉल्ट के क्रिस्टल्स होते हैं ठीक है उसके एक डेफिनेट शेप होते हैं लेकिन आप इसे जिस टाइप के जार में आप रखेंगे उस टाइप में ये अपने शेप को ये उस टाइप में फिल हो जाते हैं ठीक है लेकिन देन ऑल्सो इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ सॉलिड वॉट अबाउट अ स्पॉन्ज इज इट अ सॉलिड येट वी आर एबल टू कॉम्प्रेस इट हाँ हम लोग स्पॉन्ज को कॉम्प्रेस कर देते हैं लेकिन उसको कॉम्प्रेस करने के बाद अगेन वो अपने ओरिजिनल स्टेट में आ जाता है सो इट इज़ अगेन एग्जाम्पल ऑफ सॉलिड तो इसमें लिखा है ऑल द अबव आर सॉलिड्स ये जो तीन हम लोग केस देखे रबर बैंड का देखे शुगर एंड सॉल्ट के पार्टिकल्स का देखें एंड एक स्पॉन्ज का देखें तो ये तीनों जो है वो सॉलिड हैं कैसे अब इसके एक्सप्लेनेशन सुन लीजिए जो रबर बैंड होता है चेंजेस शेप अंडर फोर्स एंड रीगेन द सेम शेप वैन द फोर्स इज रिमूव जब आप उस पर फोर्स लगा रहे हैं तब वो अपने शेप को चेंज कर लिया लेकिन जैसे ही आपने फोर्स उस पर लगाना ख़त्म किया तो वो उसने अपना ओरिजिनल जो स्टेट था ओरिजिनल शेप था उसे वापस से अचीव कर लिया रिगेन कर लिया इफ एक्सेसिव फोर्स इज अप्लाइड इट ब्रेक्स और अगर हद से ज़्यादा फोर्स लगाइएगा तो वह रबर बैंड टूट जाएगा तो नेक्स्ट जो था तो नेक्स्ट जो था सॉल्ट और शुगर क्रिस्टल का तो शुगर का जो इस तरीके से शेप होता है क्रिस्टल्स का द शेप ऑफ ईच इंडिविजुअल शुगर और सॉल्ट क्रिस्टल रिमेन फिक्स्ड ये जो शेप है ये ये लोग का फिक्स होता है ये फिक्स होता है इस तरह से जो शेप है ये फिक्स होता है वी टेक इट इन आ हैंड पुट इट इन अ प्लेट और इन अ जार आप उसे कोई भी चीज़ में डाल दीजिए मतलब तो इसके शेप से है ना इस पार्टिकल के शेप से शुगर के पार्टिकल के शेप से उसके क्रिस्टल के शेप से मतलब है भले आप उसको मुट्ठी में ले लीजिए या फिर कोई जार में डाल दीजिए या फिर कोई भी चीज़ में डाल दीजिए लेकिन इसका जो ये वाला शेप है क्रिस्टल का शेप है वो तो फिक्स होता है तो अगेन ये एक एग्जाम्पल है सॉलिड का देन स्पॉन्ज की बात करें तो स्पॉन्ज हैज़ माइन्यूट होल्स स्पॉन्ज में क्या होते हैं स्पॉन्ज जो होता है इसमें छोटा छोटा माइन्यूट माइन्यूट होल्स होते हैं ठीक है इन विच एयर इज ट्रैप्ड वेन वी प्रेस इट द एयर इज एक्सपेल्ड आउट इस छोटे छोटे माइन्यूट होल्स में जो एयर है वो ट्रैप हो जाते हैं एयर बीच में ट्रैप हो जाते हैं और जैसे ही हम इस स्पॉन्ज पे फोर्स लगाते हैं जैसे ही इसे हम प्रेस करते हैं जैसे इस पर फोर्स लगाते हैं तो एयर जो इसमें ट्रैप था वो एक्सपेल आउट हो जाता है वो निकल जाता है एंड वी आर एबल टू कॉम्प्रेस इट और वो जो स्पॉन्ज है उसको हम लोग कॉम्प्रेस कर सकते हैं ठीक है और फिर अगेन जो है वो अपने ओरिजिनल स्टेट में आ जाता है क्योंकि इस स्पॉन्ज में इस स्पॉन्ज में क्या होता है बीच में छोटे छोटे होल्स प्रेजेंट होते हैं जिसमें एयर जो है वो सो ये मैंने समझा दिया एक बार और बता देती हूँ जो स्पॉन्ज होता है इसमें छोटे छोटे होल्स प्रेजेंट होते हैं जिसमें एयर भरे हुए रहते हैं एयर ट्रैप रहते हैं और जैसे ही हम लोग इस पर फोर्स अप्लाई करते हैं जैसे ही फोर्स अप्लाई करते हैं तो ये जो स्पॉन्ज है वो अपने शेप को चेंज कर लेता है ये एयर जो है वो निकल जाता है इसमें जो एयर प्रेजेंट है वो एक्सपेल आउट हो जाता है निकल जाता है और जो स्पॉन्ज है वो कंप्रेस हो जाता है ठीक है और अगेन जैसे ही वो अगेन एयर को रीऑब्जॉर्ब कर लेता है जैसे ही एयर फिर से इसमें ट्रैप हो जाता है तो वो वापस से अपने ओरिजिनल शेप में आ जाता है मतलब जो हम लोग कंप्रेस कर रहे हैं फोर्स लगाते तो इस फोर्स के कारण क्या होता है जो स्पॉन्ज के अंदर एयर भरा पड़ा है वो निकल जाता है और इसके कारण जो स्पॉन्ज है वो कॉम्प्रेस हो जाता है ठीक है सो अगेन जो है ये एक एग्ज़ाम्पल है कि सो so अगेन जो स्पॉन्ज है इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ सॉलिड अगेन जो स्पॉन्ज है वो सॉलिड का एग्जाम्पल है तो यहाँ तक आई होप आपको समझ में आया होगा अब जो नेक्स्ट है वो है लिक्विड स्टेट सॉलिड स्टेट हम लोग अच्छे से कंप्लीट कर चुके अब नेक्स्ट है लिक्विड स्टेट सो यहाँ पे एक एक्टिविटी है 1.10 इसमें बोला गया है कलेक्ट द फॉलोइंग आपको क्या क्या चीज़ें कलेक्ट करनी है तो इस एक्टिविटी में बोला गया है कलेक्ट द फॉलोइंग आपको क्या क्या चीज़ें कलेक्ट करनी है वाटर कुकिंग ऑयल मिल्क जूस कोल्ड ड्रिंक मतलब ये सारे लिक्विड वाली चीजें आपको कलेक्ट करनी है वाटर कुकिंग ऑयल ये सब मिल्क वगैरह जूस वगैरह और कोल्ड ड्रिंक आपको कलेक्ट करनी है कंटेनर्स ऑफ डिफरेंट शेप पुट अ फिफ्टी एम एल मार्क ऑन दीज कंटेनर्स यूजिंग अ मेजरिंग सिलेंडर फ्रॉम द लैबरेटरी सो आपको अलग अलग शेप के कंटेनर्स लेने हैं सपोज कोई इस शेप का हो गया है ना कोई इस शेप का हो गया मतलब अलग अलग शेप के आप कंटेनर्स ले लीजिए लेकिन सारे कंटेनर्स में आप मार्क कर लीजिए 50 एम एल जहाँ पर भी 50 एम आ रहा है वहाँ पे आप मार्क कर लीजिए भली उस कंटेनर का शेप अलग अलग हो लेकिन बस आप मार्क 50 एम तक करिए कोई भी कंटेनर हो अलग अलग शेप का हो लेकिन आपको 50 एम ही उसमें डालना है ठीक है वॉट विल हैपन इफ़ दीज लिक्विड्स आर स्प्लिट ऑन द फ्लोर अगर इसको आप फ्लोर पे डाल देते हैं इस लिक्विड को तो क्या होगा उसका एक कोई डेफिनेट शेप होगा क्या नहीं वो तो जैसे तैसे यहाँ वहाँ चल मतलब फैल जाएगा लिक्विड सो मेजर 50 एम तो इसमें लिखा है मेजर 50 एम ऑफ़ एनी वन लिक्विड एंड ट्रांसफर इट इनटू डिफरेंट कंटेनर्स वन बाय वन आप कोई एक एक कंटेनर में 50 एम मेजर कर लो और उसको अलग अलग शेप के कंटेनर्स में डालो डज द वॉल्यूम रिमेन द सेम तो क्या उस लिक्विड का जो वॉल्यूम है वो सेम रहेगा डज द शेप ऑफ द लिक्विड रिमेन द सेम तो लिक्विड की बात कर रहे हैं तो इसका एक डेफिनेट शेप नहीं होता है इसका कोई शेप सेम नहीं रहेगा लेकिन हाँ वॉल्यूम सेम रहेगा इसका जो वॉल्यूम 50 एम है वो आप किसी भी तरह के किसी भी शेप के कंटेनर में डाल दो वो 50 एम ही रहेगा इसका जो वॉल्यूम है वो सेम रहेगा लेकिन इसका जो शेप है वो वैरी करेगा आप अगर सिलेंड्रिकल कंटेनर में डालते हो तो उसका जो शेप है वो सिलेंडर टाइप का आ जाएगा अगर कुछ कॉनिकल में डालते हो तो कौन टाइप का हो जाएगा उसका जो शेप है वो वैरी करेगा लेकिन उसका जो वॉल्यूम है वो सेम रहेगा वैन यू पॉर द लिक्विड फ्रॉम वन कंटेनर इन टू अनदर डज़ इट फ्लो ईज़ली और जब आप उस लिक्विड को एक कंटेनर से दूसरे कंटेनर में डाल रहे थे तो क्या वो मतलब आप जब उस लिक्विड को जब आप उस लिक्विड को एक कंटेनर से दूसरे कंटेनर में उसको डाल रहे थे तो वो क्या ईजिली चला गया या कोई प्रॉब्लम हो रहा था तो वो ईज़िली चला जाएगा सो so, इन सब चीज़ों से ये कंक्लूजन निकलता है कि जो लिक्विड होता है हैव नो फिक्स शेप लिक्विड का कोई फिक्स्ड शेप नहीं होता है अगर आप इसको सिलेंड्रिकल कंटेनर में डालते तो वो सिलेंडर टाइप का शेप ले लेगा अगर आप स्क्वायर टाइप में डालते हो या कॉनिकल में डालते हो तो जिस शेप के कंटेनर में आप डालोगे उस टाइप का शेप लिक्विड ले लेगा तो इससे ये पता चलता है कि लिक्विड का कोई फिक्स्ड शेप नहीं होता है ठीक है कोई फिक्स शेप नहीं होता है बट हैव अ फिक्स्ड वॉल्यूम अगर आप लोग जैसे 50 एम ही डाले थे तो वो चाहे कॉनिकल में डालिए सिलेंड्रिकल में डालिए या स्क्वायर में डालिए या फिर कॉनिकल में डालिए उसका जो वॉल्यूम है वो 50 ml ही रहेगा तो इसका एक फिक्स्ड वॉल्यूम होता है दे टेक अप द शेप ऑफ द कंटेनर इन विच दे आर केप्ट तो अगर उसे जिस भी कंटेनर में डाला जाएगा वो उस कंटेनर का शेप ले लेगा अब आगे लिखा है लिक्विड्स फ्लो एंड चेंज शेप सो दे आर नॉट रिजिड बट कैन बी कॉल्ड फ्लूड तो जो भी चीज़ फ़्लो करता है ठीक है और अपने शेप को चेंज कर सकता है लाइक like आपको पता है कि कोई भी आप फ्लोर पे कोई भी चीज़ को ऐसे लिक्विड चीज़ को आप फेंक दीजिए तो वो क्या है ऐसे ऐसे फ़्लो करने लग जाएगा अपना एक रास्ता बनाने लग जाएगा जैसे पानी अपना एक रास्ता बना देता है तो इस हिसाब से क्या होता है जो लिक्विड्स होता है वही बोला गया है जो लिक्विड होता है वो अपने आप को फ्लो कर सकता है वो फ्लो करता है और अपने शेप को चेंज कर सकता है सो so इसलिए उसे फ्लूड कहा जाता है तो लिक्विड को क्या कहा जाता है फ्लूड कहा जाता है अब है रेफर टू एक्टिविटीज 1.4 पॉइंट फोर एंड वन पॉइंट फाइव वेयर वी सॉ दैट सॉलिड्स एंड लिक्विड्स कैन डिफ्यूज इन टू लिक्विड्स the gases from the atmosphere diffuse and dissolve in water these gases especially oxygen and carbon dioxide are essential for the survival of aquatic animals and plants तो इससे ये बताया जा रहा है कि जो सॉलिड होता है और लिक्विड होता है वो दोनों के दोनों लिक्विड में डिफ्यूज़ भी कर सकते हैं और डिज़ोल्व भी कर सकते हैं जैसे आपको पता है जो एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म है जो पानी के अंदर रहने वाले ऑर्गेनिज्म जैसे कि फ़िश हो गए या कोई भी अदर एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म है वो डायरेक्ट तो इन्वायरमेंट से ऑक्सीजन नहीं ले सकते जैसे हम लोग डायरेक्ट इन्वायरमेंट से ऑक्सीजन ले सकते हैं कार्बन डाइऑक्साइड एक्सपेल आउट कर सकते हैं लेकिन जो भी ऑर्गेनिज्म पानी के अंदर रह रहे हैं वो ऑक्सीजन कैसे लेते हैं तो वो वाटर में जो ऑक्सीजन डिजोल्व है उससे वो लोग लेते हैं तो इन्वायरमेंट में जो लेट मी एक्सप्लेन दिस सपोज ये इन्वायरमेंट में ऑक्सीजन प्रेजेंट है ठीक है और ये वाटर है तो इन्वायरमेंट में जो ऑक्सीजन प्रेजेंट है ये वाटर में जा कर के डिफ्यूज़ होता है और डिज़ोल्व होता है तब जो एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म जो भी फ़िश इसमें प्रेजेंट है वो इस ऑक्सीजन को ले पाते हैं जो इन्वायरमेंट में ऑक्सीजन प्रेजेंट है वो वाटर में जा कर के डिफ्यूज होता है और डिज़ोल्व होता है और जिससे फिश को वो ऑक्सीजन मिलता है ठीक है तो वही चीज़ इसमें बता रखा है गैसेस फ्रॉम द एटमोसफियर डिफ्यूज़ एंड डिज़ोल्व इन वाटर जो गैस एटमोसफियर में प्रेजेंट है ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड या कुछ भी नाइट्रोजन एटसेट्रा वो क्या होता है वो वाटर में डिफ्यूज़ होता है अपने आप को डिज़ोल्व करता है और दीज गैसेज स्पेशली ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड आर एसेंशियल फॉर सर्वाइवल ऑफ एक्वेटिक एनिमल्स एंड प्लांट्स तो एनिमल्स और प्लांट्स के लिए जो गैसेज एसेंशियल है वह ऑक्सीजन एंड प्लांट्स के लिए कार्बन डाइऑक्साइड ऑल लिविंग क्रिएचर्स नीड टू ब्रीथ फ्रॉम फॉर सर्वाइवल ये तो पता है कि जितने भी ऑर्गेनिज्म है जो भी लिविंग क्रिएचर्स है वो सबको वो सब के लिए ब्रीथिंग बहुत ही एसेंशियल है द एक्वेटिक एनिमल्स कैन ब्रीथ अंडर वाटर ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ डिजोल्व ऑक्सीजन इन वाटर अब जो एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म है जो पानी के अंदर रहते हैं वो भी ऑक्सीजन लेते हैं लेकिन डिजोल्व स्टेट में लेते हैं और जो हम लोग लैंड पे रहते हैं हम लोग भी ऑक्सीजन लेते हैं लेकिन डायरेक्ट एटमोस्फेयर से लेते हैं ठीक है सो दस वी तो इससे ये भी पता चलता है कि जो ऑक्सीजन एटमोस्फेयर में प्रेजेंट है वो वाटर में भी जाके डिफ्यूज और डिजोल्व कर सकते हैं अपने आप को दस वी में कंक्लूड दैट सॉलिड्स लिक्विड िक्विड्स एंड गैसेज कैन डिफ्यूज इन टू लिक्विड्स तो चाहे सॉलिड हो वो भी लिक्विड के साथ डिफ्यूज कर सकते हैं चाहे लिक्विड हो वो भी लिक्विड के साथ डिफ्यूज कर सकते हैं और चाहे गैसेज हो वो भी लिक्विड के साथ डिफ्यूज कर सकते हैं सो so स्टूडेंट्स कई बार एग्जाम में ये भी पूछ लिया जाता है जो एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स है जो पानी में रहते हैं वो लोग कैसे सर्वाइव करते हैं तो इसका सिंपल से आंसर होगा जो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड होता है वो इन्वायरमेंट से वो पानी में डिजोल्व कर लेता है ईजिली और इस कारण से जो एक्वेटिक ऑर्गेनिज़म है वो ऑक्सीजन का उनमें ऑक्सीजन और इस कारण से जो एक्वेटिक ऑर्गेनिज़म का ऑक्सीजन डिमांड है वो ईजिली फुलफ़िल हो पाता है ठीक है सो यहाँ पे लिखा है द रेट ऑफ डिफ्यूशन ऑफ लिक्विड इज हायर देन दैट ऑफ सॉलिड सो इसमें बोला गया है स्टूडेंट जो डिफ्यूजन का रेट लिक्विड में है जो डिफ्यूजन का रेट लिक्विड में है वो ज़्यादा होता है सॉलिड्स के कंपेरिजन में मतलब डिफ्यूजन का मतलब होता है घुलनशील घुलना आपस में घुलना मतलब लिक्विड लिक्विड ईजिली डिज़ोल्व होता है जल्दी डिज़ोल्व होता है और सॉलिड लिक्विड थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है डिज़ोल्व होने में तो लिक्विड लिक्विड क्यों ईजिली डिज़ोल्व होता है इसलिए ईजली डिसॉल्व होता है कि लिक्विड में जो इंटर मोलिकुलर स्पेस है वो ज़्यादा होता है और जो पार्टिकल्स हैं इंटर मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल्स जो है वो फार अपार्ट होता है एक दूसरे से और सॉलिड में क्या होता है वो कंप्रेस होता है सॉलिड में एकदम क्लोज क्लोज होता है ठीक है और लिक्विड में क्या होता है दूर दूर होता है इस कारण से सो so, इसमें लिखा हुआ है दिस इज़ ड्यू टू द फैक्ट दैट इन लिक्विड स्टेट पार्टिकल मूव फ्रीली एंड हैव ग्रेटर स्पेस बिटवीन ईच अदर जो पार्टिकल्स है लिक्विड में वो दूर दूर होते हैं और इन दोनों के बीच में काफ़ी स्पेस होता है इसलिए जो पार्टिकल्स है वो ईजली मूव कर सकते हैं एज कंपेयर टू पार्टिकल्स इन द सॉलिड स्टेट और सॉलिड स्टेट में क्या होता है बहुत ही कॉम्पैक्ट होता है पार्टिकल्स इसके बीच में स्पेस बिल्कुल भी प्रेजेंट नहीं होता है तो ये रीजन होता है अब नेक्स्ट है गैसियर स्टेट सो सॉलिड एंड लिक्विड स्टेट हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं जो थर्ड लास्ट स्टेज है स्टेट है वो है गैसियर स्टेट ठीक है सो हैव यू एवर ऑब्जर्व बैलून सेलर फिलिंग अ लार्ज नंबर ऑफ बैलून्स फ्रॉम अ सिंगल सिलेंडर ऑफ गैसेज तो आपने देखा है जो एक स्टूडेंट्स तो आपने गुब्बारे फुलाने वाले को देखा होगा उसके पास एक छोटा सा सिलेंडर गैस रहता है जिससे वो सारे गुब्बारे को मतलब एक सिलेंडर से वो बहुत सारे गुब्बारे को फुला सकते हैं ठीक है सो इंक्वायर फ्रॉम हिम हाउ मेनी बैलून्स इज ही एबल टू फिल फ्रॉम वन सिलेंडर तो अगर आपके आसपास कोई इस तरह के हैं तो आप जाकर उनसे पूछ सकते हैं कि वो एक सिलेंडर से लगभग कितने बैलून्स को फुला सकते हैं आस्क हिम विच गैस डज ही हैव इन द सिलेंडर और साथ ही ये भी पूछे कि उस सिलेंडर में कौन सा गैस भरा हुआ है सो so, यहाँ पे एक एक्टिविटी है वन पॉइंट इलेवन इससे कर लेते हैं इसमें लिखा है टेक थ्री हंड्रेड एम एल सिरेंजेस आपको हंड्रेड एम एल का सिरेंज लेना है जो इंजेक्शन होता है वो लेना है आपको जैसे कि आप डायग्राम में देख पा रहे हैं इस तरह का आपको हंड्रेड एम एल का तीन सो आपको बोला गया है। आपको तीन हंड्रेड एम का सिरिंज लेना है इंजेक्शन लेना है और क्लोज देयर नोजल्स बाय रबर कॉक एज शोन इन द फिगर तो आपको इसमें दो चीज़ें समझनी है एक तो जो इसका ये जो होता है इसका नीचे वाला बॉटम टिप होता है इसे नोजल कहा जाता है और ये जो ऊपर वाला होता है इसे पिस्टन कहा जाता है तो नोजल जो हुआ इसको आपको रबर कॉक से आपको क्या करना है क्लोज कर देना है ठीक है और फिर लिखा हुआ है रिमूव द पिस्टन फ्रॉम ऑल द सरेंजेस और आपको जो पिस्टन है ये जो पिस्टन है वो तीनों सिरिंज से आपको रिमूव कर देना है ठीक है लिविंग वन सिरिंज अनटचड फिल वाटर इन द सेकेंड एंड पीसेस ऑफ चौक इन द थर्ड मतलब तीन सिरिंज में से एक मतलब आपको जो वो तीन सिरिंज लेना है उसमें से पहले वाले सिरिंज में आपको कुछ भी फिल नहीं करना है और दूसरे वाले सिरिंज में आपको वाटर फिल कर देना है और तीसरे वाले सिरिंज में आपको चौक फिल कर देना है तो तीनों में से पहले में कुछ भी फिल नहीं करना है दूसरे वाले में वाटर और तीसरे वाले में चौक फिल कर देना है तो चौक सॉलिड हो गया वाटर लिक्विड हो गया और कुछ भी अपने फिल कर रहे तो उसमें ऑब्वियस है कि बीच में गैस ऑक्यूपाई कर लेगा तो ये तीन एग्जाम्पल हो गए ठीक है इंसर्ट द पिस्टन्स बैक इंटू द सीरेंजेस अब आपको वापस ये पिस्टन को क्या करना है इंसर्ट कर देना है यू मे अप्लाई सम वैसलीन ऑन द पिस्टन्स बिफोर इंसर्टिंग दैम इंटू द सीरेंजेस फॉर द स्मूथ मूवमेंट उसकी मूवमेंट वो ताकि पिस्टन ईजिली जा सके तो आप थोड़ा सा उसके टिप पे वैसलीन अप्लाई कर सकते हैं नाउ ट्राई टू कॉम्प्रेस द कॉन्टेंट बाई पुशिंग द पिस्टन इन ईच सीरेंज अब आपने जैसे जो चौक लिया है चौक जो आपने डाला है बीच में ये जो चौक आपने यहाँ पे फिल किया है आपको अब पिस्टन को दबाना है ठीक है तो क्या वो दब दब पा रहा है वो कॉम्प्रेस हो पा रहा है वो कॉम्प्रेस नहीं हो पाएगा देन जिसमें आपने वाटर फिल किया है उसको कॉम्प्रेस करना है तो वो धीरे धीरे कॉम्प्रेस हो जाएगा और जो गैस जिसमें फिल किया है वो बहुत ईजिली कॉम्प्रेस हो जाएगा मतलब अगर हम लोग इसकी रेट की बात करें तो गैस वाला है जो कि जल्दी कॉम्प्रेस हो जाएगा देन लिक्विड वाला एंड देन सॉलिड वाला सॉलिड वाला नहीं हो पाएगा क्योंकि सॉलिड जो है वो कॉम्प्रेस नहीं हो पाता है लिक्विड कॉम्प्रेस हो पाता है और गैस सबसे हाईली कॉम्प्रेस हो पाता है तो इस एक्टिविटी से ये पता चलता है ये कंक्लूजन निकलता है जो गैसेज वो हाईली कॉम्प्रेसिबल नेचर के होते हैं तो so, इसमें लिखा है कि वी हैव ऑब्जर्व दैट गैसेज आर हाईली कॉम्प्रेसिबल गैसेज जो होते हैं वो हाईली कॉम्प्रेसिबल नेचर के होते हैं एज कम्पेयर टू सॉलिड्स एंड लिक्विड्स द लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस जिसे एल पी जी कहा जाता है सिलेंडर दैट वी केट इन अ होम फॉर कुकिंग और द ऑक्सीजन सप्लाई टू हॉस्पिटल इन सिलेंडर इज कॉम्प्रेस्ड गैस जो आपने देखा होगा वेंटिलेटर पर लोग होते हैं या फिर ऐसे भी ऑक्सीजन सिलेंडर जो uh, प्रोवाइड किया जाता है हॉस्पिटल में जो ऑक्सीजन सिलेंडर होता है वो भी बहुत ही हाईली कॉम्प्रेसिबल होता है और जो हम लोग के घर में गैस आता है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस वो भी हाईली कॉम्प्रेसिबल गैस होता है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस जिसे सी कहा जाता है इज यूज एज अ फ्यूल के तौर पे यूज़ किया जाता है जो कि नेचुरल फ्यूल है दीज डेज इन व्हीकल्स एंड ड्यू टू इट्स हाई कॉम्प्रेसिबिलिटी लार्ज वॉल्यूम्स ऑफ अ गैस कैन बी कॉम्प्रेस्ड इनटू अ स्मॉल सिलेंडर एंड ट्रांसपोर्टेड ईजली और ये क्योंकि हाईली कॉम्प्रेसिबल गैस है इसके कारण छोटे से सिलेंडर में हम लोग बहुत ज़्यादा क्वान्टिटी का गैस फिल कर सकते हैं और यूज कर सकते हैं वी केम टू नो ऑफ वॉट इज बींग कुड इन द किचन विदाउट इवन एंट्रिंग देयर कभी मम्मी लोग कुछ भी किचन में पका रही होती तो हम लोग बिना जाने के क्या आ, पक रहा है हम लोग बस उसके स्मेल से एज्यूम कर लेते हैं कि अच्छा वाह हलवा पक रहा है या कुछ भी एक्स वाई साइड पक रहा है तो वो कैसे हम लोग एज्यूम कर पाते हैं बाई द सेंस ऑफ स्मेल स्मेल से पता कर पाते हैं ठीक है सो बाई द स्मेल दैट रीचेस आर नॉस्ट्रियल जो हम लोग के नॉस्ट्रिल्स में जो स्मेल जा रहा है जो नोज में जो स्मेल एंटर कर रहा है उससे हम लोग पता कर पाते हैं ज्यूम कर पाते हैं हाउ डज़ दिस स्मेल रीच अस अब ये स्मेल हम लोग के नॉस्ट्रिल में कैसे रीच करता है द पार्टिकल्स ऑफ द एरोमा ऑफ फूड मिक्स विद द पार्टिकल्स ऑफ एयर स्प्रेड फ्रॉम द किचन मतलब जो फूड में जो पार्टिकल्स हैं जो खुशबूदार पार्टिकल्स हैं वो एयर के पार्टिकल्स के साथ मिक्स हो जाते हैं मतलब यहाँ पे गैस का सो चाहे हम कितना भी दूर रहें वो जो गैस के पार्टिकल्स है वो बहुत उसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत ही फार अपार्ट होते हैं और इस कारण से क्या होता है हम लोग को वो स्मेल आसानी से आराम से पता चलता है द स्मेल ऑफ हॉट कुकड फूड रीचेस अस इन सेकेंड्स और जितना गर्म खाना होता है उसका जो स्मेल है और जल्दी से ही हम लोग को पता चल जाता है कंपेयर दिस विद द रेट ऑफ़ डिफ्यूजन ऑफ सॉलिड्स एंड लिक्विड्स बजाय सॉलिड और लिक्विड के जो गैस में गैस का जो डिफ्यूजन है वो हायर होता है ड्यू टू हाई स्पीड ऑफ़ पार्टिकल्स एंड लार्ज स्पेस बिटवीन देम क्योंकि गैस के जो पार्टिकल्स हैं इनके बीच में जो स्पेस होता है वो बहुत ही ज़्यादा होता है बहुत ही ज़्यादा होता है इसके कारण क्या होता है इसमें जो डिफ्यूजन होता है वो बहुत ही फास्ट रेट में होता है जो डिफ्यूजन होता है वो बहुत ही फास्ट रेट में होता है फास्ट रेट में होता है इस कारण से इन द गैसेज स्टेट द पार्टिकल मूव अबाउट रैंडमली सो ड्यू टू हाई स्पीड ऑफ पार्टिकल एंड लार्ज स्पेस बिटवीन दम गैसेज शो द प्रॉपर्टी ऑफ डिफ्यूजिंग वेरी फास्ट इन टू अदर गैसेज तो गैसेज का गैसेज में जो डिफ्यूजन होता है वो बहुत ही फास्ट रेट में होता है इन द गैसेज स्टेट द पार्टिकल्स मूव अबाउट रैंडमली एट हाई स्पीड बहुत ही रैंडम मूवमेंट देखने को मिलता है ड्यू टू दिस रैंडम मूवमेंट द पार्टिकल हिट ईच अदर एंड ऑल्सो द वॉल्स ऑफ द कंटेनर और इस रैंडम मूवमेंट के कारण जो पार्टिकल्स हैं वो जिस कंटेनर में है उसके वॉल्स को तो हिट करते ही हैं और आपस में भी हिट करते हैं द प्रेशर एक्सर्टेड बाई द गैस इज बिकॉज ऑफ दिस फोर्स एक्जटेड बाई गैस पार्टिकल्स पर यूनिट एरिया ऑन द वॉल्स ऑफ द स्टूडेंट्स इसमें जो याद रखने वाली बात है वो ये है कि गैस के जो पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत ही फार अपार्ट होते हैं जिसके कारण ये क्या होता है रैंडम मूवमेंट शो करता है और ये बहुत तेज़ तेज रैंडमली मूव करता है ये पार्टिकल और ये आपस में भी हिट करता है और जो वॉल ऑफ द कंटेनर जिस भी कंटेनर में ये फिल्ड है उसके भी वॉल्स पर बार बार हिट करता है ठीक है सो so, मान लिया ये कोई भी इस तरह के, के कंटेनर में गैस फिल है इस तरह के, के कोई भी कंटेनर में गैस फिल है तो ये जो पार्टिकल्स है ये इसके वॉल इस वॉल्स पे साइड वॉल्स पे भी ये हिट करता है मतलब ये जो गैस जिस भी कंटेनर में प्रेजेंट है क्योंकि इसके पार्टिकल्स एकदम रैंडम मोशन में होते हैं क्योंकि बहुत सारा स्पेस रहता है बीच में खाली रहता है इसके कारण ये पार्टिकल्स आपस में भी टकराते हैं आपस में भी टकराते हैं और वॉल्स ऑफ द कंटेनर को भी हिट करते हैं बार बार ठीक है सो so, एक चीज़ तो ये याद रखिए दूसरी बात है कि इन द स्टेट द पार्टिकल्स मूव अबाउट रैंडमली एट हाई स्पीड ड्यू टू दिस रैंडम मूवमेंट द पार्टिकल हिट ईच अदर एंड ऑल्सो वॉल्स ऑफ द कंटेनर ठीक है दूसरी बात है कि ये एक प्रेशर एक्सर्टेड बाय द गैस इज बिकॉज ऑफ दिस फोर्स एक्सर्टेड बाय गैस पार्टिकल पर यूनिट एरिया ऑन द वॉल्स ऑफ द कंटेनर तो इसमें याद रखने वाली बात है जो प्रेशर होता है वो प्रेशर क्या होता है फोर्स अपॉन एरिया प्रेशर होता है फ़ोर्स अपॉन एरिया तो ये प्रेशर कैसे लग रहा है जो भी ये कंटेनर का वॉल है इसमें जो इसमें जो गैस पार्टिकल है ये जो भी फोर्स लगा रहा है इसके वॉल्स ऑफ द कंटेनर पे पर यूनिट एरिया कितना कवर हो रहा है ये होता है प्रेशर प्रेशर होता है फ़ोर्स अपॉन एरिया जो भी फोर्स लगा रहा है इसके वॉल्स ऑफ द कंटेनर पर पर यूनिट एरिया कितना ये कवर अप हो रहा है इसे कहते हैं प्रेशर और इस हिसाब से प्रेशर लगता है उस कंटेनर पर ठीक है तो यहाँ पे एक डायग्राम दिखाया गया है सॉलिड लिक्विड और गैस का कंपैरिजन किया गया है ए बी एंड सी शो द मैग्निफाइड स्कीमैटिक पिक्चर ऑफ द थ्री स्टेट ऑफ मैटर द मोशन ऑफ द पार्टिकल कैन बी सीन एंड कंपेयर्ड इन द थ्री स्टेट्स ऑफ मैटर तो इसमें आप एक चीज देख सकते हैं कि ये जो सॉलिड है और एक लिक्विड लिया गया और गैस ठीक है तो सॉलिड में जो इंटरमोलिकुलर स्पेसेस है वो देखिए आपस में एकदम सटे हुए हैं ठीक है आपस में एकदम यहाँ पे देखिए बिल्कुल भी स्पेस नहीं है दोनों के बीच में स्पेस बिल्कुल नहीं है ठीक है तो ये जो है मॉलिक्यूल्स वापस में एकदम कॉम्पैक्टली पैक्ड हैं ठीक है इसलिए जो यहाँ पे प्रेशर लगता है इसलिए क्या है कि पार्टिकल्स के बीच में स्पेस नहीं है इसलिए जो डिफ्यूजन होता है वो बहुत ही लेस रेट से होता है और लिक्विड में देखा जाए तो यहाँ पर कुछ स्पेस प्रेजेंट होता है जिसमें ये एरो शो कर रखा है जिससे बताया जा रहा है कि जो डिफ्यूजन है वो हो सकता है पार्टिकल्स के बीच में स्पेस होता है इसके कारण इसमें जो है वो डिफ्यूजन एक आ, रेट से हो सकता है और गैस में क्यों चूँकि पार्टिकल्स बहुत ही ज़्यादा देख रहे हैं फार अपार्ट है तो बहुत ज़्यादा स्पेस है तो इसमें डिफ्यूजन जो है वो हाईली स्पीड से हो सकता है तो एक चीज़ और आपको याद रखनी है वो ये है कि जो डिफ्यूजन होता है वो गैस में सबसे ज़्यादा होता है देन लिक्विड में होता है एंड देन सॉलिड में होता है तो ये आप इसके डिफ्यूजन और कॉम्प्रेसिबिलिटी दोनों डिफ्यूजन गैस में ज़्यादा होता है देन लिक्विड में होता है एंड देन सॉलिड में होता है उसी तरीके से जो कॉम्प्रेस सो so, आप एक चीज़ इसमें याद रख सकते हैं वो ये है कि जो डिफ्यूजन होता है वो गैस में सबसे ज़्यादा होता है देन लिक्विड में होता है एंड सबसे कम सॉलिड में होता है ठीक है जो डिफ्यूजन होता है जो डिफ्यूजन uh, होता है वो गैस में सबसे ज़्यादा होता है देन लिक्विड में एंड सबसे कम सॉलिड में उसी तरीके से जो कॉम्प्रेसिबिलिटी होता है वो गैस में सबसे ज़्यादा होता है गैस सबसे ज़्यादा कॉम्प्रेस हो सकता है क्योंकि उसमें जो मॉलिक्यूल्स के बीच में जो स्पेस है वो सबसे ज़्यादा होता है देन लिक्विड में क्योंकि इसमें भी स्पेस होता है लेकिन गैस से कम और सबसे कम सॉलिड ठीक है तो ये चीज़ एक आप याद रखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोनों के लिए दोनों स्ट्रक्चर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जो गैस में डिफ्यूजन और कॉम्प्रेस compress, कॉम्प्रेसिबिलिटी uh, जो होता है सबसे मैक्सिमम होता है देन लिक्विड में एंड सबसे कम सॉलिड में तो आई होप स्टूडेंट यहाँ तक आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा सो स्टूडेंट्स इस पूरे वीडियो में इस पूरे पार्ट में हम लोग स्टेट्स ऑफ मैटर को कवर अप किए जिसमें हम लोग तीन स्टेट ऑफ मैटर देखे सॉलिड लिक्विड एंड गैस ठीक है उसके पार्टिकल्स इंटर पार्टिकल्स इंटर इंटरमोलिकुलर पार्टिकल्स के नेचर के बारे में पढ़े कॉम्प्रेसिबिलिटी के बारे में पढ़े डिफ्यूजन प्रॉपर्टी के बारे में पढ़े अब जो नेक्स्ट टॉपिक होगा नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें हम लोग कवर अप करेंगे कैन मैटर चेंज इट स्टेट क्या मैटर अपने स्टेट को चेंज कर सकता है तो उसके उसको देखने के लिए आप मेरे आगे की वीडियो को जरूर देखिए थैंक्स फॉर वॉचिंग नेक्स्ट पार्ट को देखने के लिए आगे की वीडियो जरूर देखिए थैंक्स फॉर वॉचिंग